हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फिजिक्स। माय नेम इज शुभम और हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। तो ये है लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था और जाना था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो इस लेक्चर में हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कि किसी पार्टिकल की पोजिशन हम अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से पता कर सकते हैं। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके, जो था हमारा एक्स वाई जेड। अब हम देखेंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। देखो भाई, सबसे पहले तो ये चीज कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। तो हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था कि कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हम किसी बॉडी की पोजीशन डिफाइन करने के लिए, और उस रेफरेंस पॉइंट से जो हमारे कोऑर्डिनेट्स, जो हमारा लिंक होता है, उससे मिलकर बनता है हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट मतलब जो अलग अलग हमारी जो डायमेंशंस होती हैं, अलग अलग एक्सेस होते हैं, जिनका यूज़ करके हम स्पेस में किसी की पोजीशन बता सकते हैं, या फिर उससे बियॉन्ड भी आगे हम जा सकते हैं स्पेस से भी। फिलहाल हम स्पेस के अंदर रहेंगे, तो हमारा मतलब किसी बॉडी की हम पोजीशन डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारा कार्टेशियन हमने पढ़ लिया। अब बात ये है कि अगर हम कार्टेशियन से डिफाइन कर पा रहे हैं ये हमारा एक्स वाई जेड, तो हम दूसरे कोऑर्डिनेट की तरफ क्यों भाग रहे हैं और हम क्यों अपना सिलेबस कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस है, बहुत सारा पढ़ना है। तो देखो, ये हम ऐसे ही नहीं करते हैं। इसकी वजह है, वजह ये है कि हम सिलेबस को इजी बनाना चाहते हैं। अब इजी बनाने के लिए हमें क्या काम करना है कि जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई ये नदी है, ठीक है, ये नदी है और यहाँ पर आप पत्थर फेंकते हो तो क्या होता है, कुछ इस तरह की वेव्स उठती हैं, ठीक है, वेव्स उठती हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ ये वाली जो वेव है, ये वाली, इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ भाई चलो पता लगाओ, आपसे कहता हूँ। तो आप क्या काम करते हो भाई, कहते हो कि भाई इसके जितने छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं इनकी आपको पोजिशन बतानी है। तो कैसे बताओगे कि भाई इस वाले की तो हो गई x1, y1 और z1, इसकी होगी x2, y2, z2, x3, y3, z3। फिर क्या वो भाई ये क्या चल रहा है, ये मैं कब तक बताता रहूँगा। तो हम कहते हैं कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, एक काम करते हैं कि ये सारे हैं तो वही सर्कुलर है ना, तो सब एक तो हम चीज़ ये डिफाइन कर लेते हैं कि भाई ये डायरेक्टली कितना दूर है, ठीक है। अभी चलो हम प्लेन पर बात कर रहे हैं, z की भी बात नहीं करते, कितना दूर है, और उसके अलावा बस हमें फिर रोटेशन देखना रह जाएगा। पहले हम क्या काम कर रहे थे, एक्स को भी ले रहे थे, वाई को भी ले रहे थे। अब हम क्या काम कर रहे हैं, हमने एक तो फिक्स कर दिया, खाली रोटेशन कर रहे हैं, तो इजी हो गया, ठीक है। सिमिलरली मान लो कोई वायर है, इसमें आप क्या काम कर रहे हो, करंट दौड़ा रहे हो, ठीक है। तो आपने करंट दौड़ाया तो क्या हुआ भाई, जब वायर में हम करंट दौड़ाते हैं तो करंट की डायरेक्शन में फिंग हमेशा थंब कर दो, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में थंब करो और अपने फिंगर मोड़ लो, तो जो आपकी फिंगर होंगी वो डायरेक्शन बताएगी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की। किसी वायर में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगी उसके चारों तरफ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, थंब कर दिया, घुमा दी फिंगर्स, तो हमारी कैसे फिंगर्स घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो हमारी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन गई, ऐसे सर्कुलर, इस तरह से ये हमारी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन गई। अब बात है कि बताना है भाई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बतानी है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, क्या काम करोगे आप, अलग अलग लगाते रहोगे यहाँ पे x1, y1, x2, y2? नहीं, आप क्या काम करोगे भाई, सर्कुलर बन रही है, सीधा सीधा एक r लगाओ और लगा लो बाद में थीटा, ठीक है, हो गया। तो इसी तरीके के और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो चलिए अब आप समझ गए कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं भाई x और y कोऑर्डिनेट्स में, आपने समझ लिया, x और y को देखते हैं अभी खाली, z पे नहीं भागते हैं। ये हो गया हमारा x, ये हो गया y, ठीक है। ये जो x y की मैं बात कर रहा हूँ इसको प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं,
प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, एक्स वाई की बात कर रहा हूँ भाई। मैंने ये बोला कि भाई ये पोजीशन यहाँ पर है, किसी पार्टिकल पी है, तो एक्स वाई ना लगा के हम कहते हैं एक्स वाई हमने कोऑर्डिनेट इनिशियली डिफाइन करें, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से कैसे लिंक होते हैं ये वाले कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो हमने देखा कि ये डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है, एक तो हम यही देख रहे थे, इसको हम आरना बोल के ऐसे बोलते हैं, उसका रीज़न है समझाता हूँ अभी थोड़ी देर में, कि हमने बोला भाई ये एस डिस्टेंस दूर है, ठीक है। अब आप कहते हैं डिस्टेंस तो दूर है, एंगल कितना है, तो मैं कहता हूँ भाई इतना एंगल दूर है फाई, ठीक है। आ गई इन्फॉर्मेशन, कैसे इन्फॉर्मेशन आ गई, कि भाई आपने बता दिया इतना दूर है, ये मान लो ये मार्कर है एस, ठीक है। अब एस तो यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो मुझे कैसे पता भाई पॉइंट कहाँ पर है। तो आपने क्या कि भैया मैंने तो एक तो एस बता दिया आपको, और दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इसका एंगल, तो इतना दूर और फिक्स एंगल पर, जैसे आपने 30 डिग्री बताई तो ये फिक्स हो गया, इसके अलावा कोई और पोजीशन है ही नहीं इतनी डिस्टेंस पर और 30 डिग्री एंगल पर, तो ये हमारी पोजीशन फिक्स हो गई, तो एस और फाई से हमने बता दिया। चलो अब हम इस केस को ले जाएं थ्री डायमेंशन में, ये प्लेन पोलर समझ गए, ये है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब इसको अगर हम थ्री डायमेंशन में ले जाते हैं, तो हम क्या काम करते हैं, अपने एक्स और वाई को मैं यहाँ पे चलो इसे ड्रॉ ही रहने देता हूँ, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना बने आपका। हम इसे थ्री डायमेंशन में ले जाते हैं, थ्री डायमेंशन में हम एक्स वाई जेड को ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। भाई एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अभी तो हमारा जो था, हमारा ये पॉइंट ये एक्स वाई प्लेन के अंदर था, देखो बोर्ड का प्लेन एक्स वाई हो गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम अलग तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारा एक्स वाई प्लेन में हो गया ये इस तरह से, ये हमारे ये मान लो प्लेन हो गया, ये मैं ऐसा लाइन लाइन बना रहा हूँ जिससे आपको प्लेन लगे देखने में, ठीक है। तो हमारा मान लो ये प्लेन हो गया, अब हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारा पॉइंट कहीं यहाँ पर है ऊपर इस जगह, ठीक है, इस जगह है। तो ड्रॉ तो हमें बोर्ड पे ही करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, लेकिन आप बस ध्यान रखो कि ये है इस जगह कहीं, ठीक है, बाहर है बोर्ड के कहीं इस जगह। तो ये वाला पॉइंट हमें देखना है, तो हमने एक्स वाई में तो हमें पता है हमने क्या किया, जेड आ गया, और तो हमें क्या काम करो, आप एक्स वाई में ही पता लगाओ और जेड है जितना उतना इसे हाइट में उठा दो। कैसे करो, देखो इसके लिए आपको डालना पड़ेगा इसका प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन देखो, प्रोजेक्शन जब भी है बिल्कुल मत घबराना कहीं भी, प्रोजेक्शन को हिंदी में कहते हैं भाई छाया, ठीक है, छाया प्रोजेक्शन, ठीक है। तो प्रोजेक्शन छाया डालनी है, छाया किससे आती है भाई, जब धूप होती है या लाइट होती है कहीं, तो इसके ऊपर लाइट डाल दो एक, ये आपने भाई यहां से टॉर्च डाल दी, अब इसकी छाया कहां सीधी बनेगी, इसकी बनेगी इस जगह कहीं, है ना, सीधा सीधा प्लेन के ऊपर, ठीक है। मान लो यह है प्लेन, यह है इसकी ऊपर से मैंने यहां से मैंने रॉड डाली ऐसे जहां मेरे हाथ है, यह है, तो इसकी छाया सीधी सीधी यहीं बनेगी ना, तो सीधा सीधा इसे नीचे यहां पे कहीं छाया बन गई इसकी। अब ये जो इसका प्रोजेक्शन बना, ये जो इसकी छाया बनी है, इस प्रोजेक्शन को डायरेक्ट हमने यहां से ये कर लिया, और एक्स और वाई में जो डायरेक्ट डिस्टेंस थी हमने एस ले रखी थी, इसे ले लिया हमने एस, एक्स के साथ एंगल था फाई, ये एंगल ले लिया हमने फाई, ठीक है, एक्स ये फाई एंगल, एस डिस्टेंस, और ठीक है। तो यहां तक तो पॉइंट आ गया, अब ये वाला पॉइंट आ गया, लेकिन ऊपर वाला लेना है, तो छाया डाली तो प्रोजेक्शन से नीचे हमारे पॉइंट आया, तो इतना ऊपर और उठा दो हमें एक्चुअल पॉइंट मिल जाएगा, तो हमने हाइट ले ली जेड, ठीक है, मतलब ये इंफॉर्मेशन इतनी हाइट पर, तो हमें पी पॉइंट मिल गया। और अच्छा कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, पहला कोऑर्डिनेट यूज करा हमने एस, दूसरा कोऑर्डिनेट यूज करा हमने फाई, तीसरा कोऑर्डिनेट यूज करा हमने जेड, ठीक है, एस फाई जेड। तो हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एस फाई जेड, ठीक है। देखो अच्छा, मैंने यहां पर आर क्यों नहीं लिया था, एस क्यों लिया था, एक बस जनरली कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, कंफ्यूजन क्यों नहीं क्रिएट हो, क्योंकि आर हम जनरली लेते हैं कि ओरिजिन से लेके जो रेफरेंस पॉइंट है, डायरेक्ट हमारा जो पॉइंट है उसकी हम जो डिस्टेंस लेते हैं, जो वेक्टर लेते हैं, इसे हम आर ले लेते हैं, तो इसलिए ताकि इसमें हमारा कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए हमने एक्स वाई पे ये हमने एस ले लिया, क्योंकि ये इसके प्रोजेक्शन की डिस्टेंस है यहां पर, ठीक है। चलो बाकी आपका जो मन करे आप इसे वो ले लो, आपकी मर्जी है, बस आप लॉजिक सही लगाओ। देखो बाकी कोशिश करो कि सिंबल्स ये यूज़ करो, ये यूज़ करने से क्या होगा, बार बार जब हम आगे चलेंगे कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, तो आप कम टाइम में ज़्यादा कवर करोगे सिलेबस। तो चलें
आगे। हाँ जी चलो, तो हम एक बार वो और देख लेते हैं स्फेरिकल, फिर आगे के रिलेशंस समझेंगे। पहले आपको ये समझ आ जाए कि कोऑर्डिनेट्स कैसे कैसे होते हैं उन पर। तीसरा है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। भाई स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, चलो भाई आपने बात कर ली थी भाई सिलेंड्रिकल होता है, अब स्फेरिकल भी क्यों ला रहे हो बीच में। देखो स्फेरिकल के भी अपने रीजंस होते हैं, सिलेंड्रिकल के अपने रीजंस थे। स्फेरिकल के क्यों, कि मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर प्लस क्यू कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भाई कहाँ होगी। मुझे, मैंने यहाँ पे आर रेडियस का मैं कहता हूँ मैंने स्फेयर ड्रॉ कर दिया, अब सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। तो आप क्या काम करोगे इस पॉइंट के लिए, आप पहले एक्स देखोगे, फिर वाई देखोगे, फिर ये देखोगे, ये देखोगे, ठीक है। आप यही करते रह जाओगे, तो पूरे दिन में भी होगा नहीं। तो क्या काम करोगे इसमें, आप यूज करोगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। क्यों, क्योंकि हर जगह से डायरेक्ट डिस्टेंस बराबर है। अच्छा इसे पुराने केस से कंपेयर मत करना, वो मैंने टू डायमेंशन में लिया था या फिर सिलेंडर लिया था, ये है थ्री डायमेंशनल स्फेयर। मतलब ये मान लो यहां पे चार्ज रखा है, ये जो मेरा ये है मान लो कैप, ये चार्ज है, तो यहां से ये आर वेक्टर है, तो ये स्फेयर बना रहा है। मतलब ये यहां से लेके मैं यहां पे कहीं भी घुमा लूं, नीचे भी ऊपर भी, ये सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर देगा। क्यों, क्योंकि सेम डिस्टेंस है, ठीक है। मान लो इसके टिप पर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सेम देगा, ठीक है। तो ये हो गया थ्री डायमेंशनल बॉडी। तो ये जो हमारा सिस्टम है, ये हमारे किसकी हेल्प से हमें मिलेगा, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की वजह से। चलो आ जाओ देखते हैं। हाँ जी, तो हमारा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम फिर से एक्स वाई जेड एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, ठीक है। यहाँ पर हमारा मान लो कोई पॉइंट है, ये पॉइंट डिफाइन करना है, फिर से मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट यहाँ प्लेन में नहीं, ऐसे बाहर है कहीं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या काम करते हैं, अब इस बार ये भाई स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है, डायरेक्ट डिस्टेंस बना दो सबसे पहले, बात खत्म। आर, ठीक है पहली। अच्छा ये डायरेक्ट डिस्टेंस यहाँ भी हो सकती है, मालूम मार्कर की डिस्टेंस है, ये यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी कहीं भी हो सकती है। तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ और फिक्स करनी पड़ेगी। तो आपने फिक्स कर दिया भाई एक ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला, हाँ ये थीटा, कि भाई इतने एंगल पर है। अब भाई जेड के साथ फिक्स हो गया, इतना एंगल है, लेकिन ये भी इतना एंगल है, ये भी इतना एंगल है, इधर भी इतना एंगल है, अब कहीं भी हो सकता है पॉइंट। आपको कुछ ना कुछ और फिक्स करना पड़ेगा ताकि ये पॉइंट की इन्फॉर्मेशन हमें सिर्फ यहीं पर मिले, है ना। तो इसको करने के लिए आप एक काम करते हो कि आप फिर से प्रोजेक्शन डालते हो। आपने क्या काम करी, लाइट जला दी, इसकी छाया यहाँ पर आ गई इस वाले प्लेन पर, ये भाई ये पी पॉइंट पर छाया आ गई, इसकी पी डैश लिख लेते हैं भाई। और ये हमारा क्या था, ये प्लेन था एक्स वाई, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है। ये जो छाया आई, तो ये प्लेन ऐसा है, तो ये हमने यहाँ से इस पॉइंट को डायरेक्टली इस जगह से मिला दिया। चलो ये तो हम बाद में देखते हैं मिलाने वाला, ये अभी देखते हैं कि भाई ये वाला पॉइंट मिलाया, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन फिक्स थी, तो इसे यहाँ पे फिक्स करने के लिए हम यहाँ से डायरेक्टली एक लाइन ड्रॉ करते हैं और एक ये एंगल फिक्स कर देते हैं, इसे बोलते हैं फाई। अच्छा ये हमारे बिल्कुल सेम कैसे, जो हमने उसमें लिया था ना पोलर वाले केस में, ये एक्स और वाई, ये हमने एस लिया था और ये हमने ले लिया था फाई। तो देखो एक्स से हमारा फिर से फाई है एंगल, और ये जो है इसे आप एस बोल दो चाहे, आपकी मर्जी है, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है, फिर ये हमारा हो गया एस। तो इस तरह से हमारी पूरा ये डिफाइन हो गया, हमारा कोऑर्डिनेट की पोजीशन क्या है। देखो यहाँ पर कोई पॉइंट पार्टिकल होगा, तो हमने देखा कि आर इतने डिस्टेंस पर है और इतने डिस्टेंस पर ये कहीं भी हो सकता है ऐसा, ये डिस्टेंस, तो हमने एंगल फिक्स कर दिया भाई इतनी जगह पर है। और इसको फिर ये ऐसे कहीं भी घूम सकता है, फिर ये मान लो इस एंगल के साथ, तो हमने क्या फिक्स करा कि ये हमारा नीचे ये जो ये वाला है, ये वाला एंगल फिक्स कर दिया। मतलब ये ऐसे कहीं भी नहीं है, ये खाली पर्टिकुलर इतने एंगल पर है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से ये हमारा हो गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। अच्छा अब यहाँ पर हम रिलेशंस देख सकते हैं इन सारे कोऑर्डिनेट्स के, कि हमारे एक्स वाई जेड्स के साथ क्या क्या रिलेशन है।
चलो भाई देखते हैं इसमें हमारे कोऑर्डिनेट। अच्छा इसमें ये देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कोऑर्डिनेट्स लिए। तो इसमें कोऑर्डिनेट हमने लिया एक आर, ठीक है, और थीटा लिया और फाई लिया, ठीक है, आर थीटा फाई, ये तीन कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है, जो जो हमने यूज़ करे। एक्स वाई जेड खाली डिफाइन करने के लिए कि भाई ये आर ई थीटा जेड कहाँ कहाँ पर है, हम कंपेयर करके देख रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हमने वही यूज़ करें डिफाइन करने के लिए। कन्फ्यूज मत होना कि भाई एक्स वाई जेड भी बना रखे हैं मैंने। चलो अब हम देखते हैं कि भाई हमने यूज़ तो ये कर लिया सिलेंड्रिकल, लेकिन अगर सिलेंड्रिकल नहीं एक्स वाई जेड ही होता तो हमारा कोऑर्डिनेट्स आते डिफाइन यही पोजीशन करते, तो हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स उसके हिसाब से क्या आते, एक्स वाई जेड। अगर हम कार्टेशियन के हिसाब से देखते एक्स वाई जेड वो आते, इसमें एस थीटा जेड आया है, तो देखते हैं कि भाई इनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, एक्स और एस फाई जेड ये आपस में कैसे रिलेटेड है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स क्या है। तो एक्स है हमारा, देखो ये एस है, ये थीटा एंगल पर इधर है हमारा एक्स, ठीक है, थीटा एंगल पर इधर है ये लाइन, आप डायरेक्टली यहां से मिलाओगे ये एंगल बन जाएगा आपका ये 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको यहां पे देखने में अगर मुश्किल लग रही हो तो फिर से हम वही ड्रॉ कर लेते हैं अपना बार बार। एक्स और वाई की ये वाला एस है, तो ये वाला फाई है, देखो ये एंगल ये फाई है, ये एस है, ये फाई एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये जो डायरेक्ट लाइन है 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। तो हमारा हमें क्या देखना है x कितना है, ये s है तो x पर कितना हो जाएगा, ये y लाइन क्या हो जाएगी s cos phi, ठीक है, और y क्या हो जाएगी s sin phi, ठीक है। कुछ भी लगा सकते हो आप, cos theta लगा लो आप, sin cos कुछ भी रूल लगा लो। अच्छा देखो चलो ये तो हमारा हो गया भाई, हमारा भाई कंसेप्चुअल ऐसा होता है, लेकिन अब आप बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते रहोगे ये सब एस को फाई को थीटा को, तो आप कैसे पता लगाओगे किसी भी केस में कि भाई हमारा कौन सा एंगल पर कौन सा कंपोनेंट है। तो इसके लिए आपको देखो बताता हूँ बढ़िया सी ट्रिक, आपको बस ये समझना होगा कि 90 डिग्री एंगल कहाँ बन रहा है ट्रायंगल का, ठीक है, कि ये हमारा बन रहा है 90 डिग्री, या फिर आपको एक बेसिक आइडिया लेना है बस, ठीक है, आपको ज़रूरी भी नहीं है पूरा ड्रॉ करके देखो आप, ठीक है। आपको S का कंपोनेंट लेना है, इधर इधर कंपोनेंट लेना है आपका S को X बताने के लिए, तो आप ये देखो कि हमारा एंगल किधर है, एंगल ये रहा फाई, अगर एंगल के साथ कनेक्टेड है हमारा कंपोनेंट तो आंख बंद करके लगा दो cos फाई, तो ये हमारा हो गया S cos फाई, एंगल के साथ कनेक्टेड है, और एंगल के साथ कनेक्टेड नहीं होता तो हम क्या लेते हैं साइन, ठीक है, जैसे हमारा कुछ भी है उल्टा सीधा, भाई हमारा ये कंपोनेंट है हवा में, हमें यहाँ पे ये वाला कोई वेक्टर है हमारा एक्स, इसका कंपोनेंट बताना है इधर, ये हमारा थीटा है, आप सीधा सीधा एक्स कॉस थीटा कर दो, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब ये दूसरा वाला एंगल आपका 90 होना चाहिए जो बन रहा है उसके सामने, लेकिन आपको इतना आइडिया लग जाएगा आपको क्वेश्चन करते हो, बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा। बेसिकली दिमाग में रखो उसके साथ जहाँ एंगल कनेक्टेड है वो वाला कॉस फाई, अगर यहाँ एंगल कनेक्टेड नहीं होता, जैसे ये वाले डिस्टेंस है मान लो मैं ये निकालता तो ये क्या हो जाती, यहाँ पर एंगल कनेक्टेड नहीं है, एंगल इधर है तो उसका दूसरी वाली साइड हो जाती है साइन फाई सीधा। चलो तो हमारा एक्स की क्या वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर, एस कॉस फाई, और y की वैल्यू आ गई s, देखो s cos phi x, s sin phi y, ठीक है, और हमारा z क्या है, z के इक्वल ही है, ठीक है। चलो और हमारा आगे देखते हैं इसे, अगर हम इसकी बात करें तो चलो हमारे इसमें देखते हैं पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं। पोजीशन वेक्टर होता है हमारा r x i कैप x डायरेक्शन प्लस y j कैप प्लस z k कैप, तो ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, x की जगह रख दो s cos phi i कैप प्लस s sin phi j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर डिफाइन हो गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में, ओके। चलिए अब हम देखते हैं स्फेरिकल को, तो हमारा सेम हम स्फेरिकल में करेंगे, तो हमारा एक्स कैसे आएगा, इसे मैं हटा दूं, चलिए आप लोग कह रहे हैं तो हटा देता हूँ,
हाँ जी, यहाँ पर हमारा x क्या आएगा, देखो x है हमारा ये, इसे थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ये हमारा, ये है हमारा x। अब इसमें s डिफाइंड है, s डिफाइंड नहीं है, उसमें r थीटा फाई है, तो r के टर्म्स में ही बताना पड़ेगा। तो हमारा क्या है, ये है हमारा भाई, क्या बोलते हैं, हमको इसका s का कंपोनेंट लेना है, तो चलो हम वापस से उसी टर्म में लिखते हैं, s तो है हमारे पास, तो हमारे पास है s cos फाई, ठीक है, यही हुआ हमारा x। देखो s cos फाई है, s तो हमारे दे रखा है, लेकिन बात है कि s हमें इनिशियली गिवन नहीं है क्वाड्रेंट्स में, वहाँ पे r है, s नहीं है, तो हमें s की भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब s की क्या वैल्यू होगी, s किसका वो है कंपोनेंट r का, देखो ये r है, यहाँ पे प्रोजेक्शन पड़ रहा है, तभी तो s बना, r का प्रोजेक्शन है। तो देखो अब एस, अब देखो वही वाली बात है, कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, देखो आर का एंगल इधर है थीटा, तो आर का कंपोनेंट थीटा वाली साइड तो कॉस होगा, तो इधर हो गया आर कॉस थीटा, ठीक है, याद रखो ये चीज़ बहुत काम आएगी, थीटा वाली साइड क्या हो गया कॉस, और इधर कॉस हुआ तो उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा साइन। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, एस इज इक्वल टू, जो एस है हमारा ये, एस इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है, एस हो गया आर साइन थीटा, चलो ये हमारा रख दो यहाँ पर, तो एस आर साइन थीटा हो गया, तो आर साइन थीटा कॉस फाई। सिमिलरली वाई क्या हो जाएगा, एस साइन फाई, साइन फाई, तो एस की जगह क्या लिख देंगे आर साइन थीटा, आर साइन थीटा है ना, तो एक्स वाई आ गए, और जेड क्या हो गया हमारा, जेड हो गया हमारा, देखो अच्छा अब यहाँ पे जेड नहीं है डिफाइन, देखो आर थीटा फाई, तो आर थीटा फाई के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो आर है, जेड हमने यहाँ पे निकाल लिया था आर कॉस थीटा, ये रहा आर कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करेंगे पोजिशन वेक्टर, आर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो क्या हो गया, एक्स की जगह एस, सॉरी एस नहीं, आर आर कॉस थीटा साइन फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कॉस थीटा के कैप, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको हम चलो ऐसे कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे हम कैप लगा रहे हैं तो वेक्टर साइन भी लगाइए भाई, ये वाली गलती नहीं करना, ठीक है, हमारा हो गया। अच्छा इसे हम सीधा सीधा, अगर ये हमारा हो गया पोजिशन वेक्टर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन की डायरेक्शन में, क्योंकि आई जे के कैप लिए, अगर हम स्फेरिकल की ही डायरेक्शन में लेंगे तो वैक्टर आर कैसे लिखेंगे, आर आर कैप, सीधा सीधा देखो आर आर कैप है सीधा, और ये कैसे लिखेंगे हम भाई सिलेंड्रिकल में, आर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या है, सिलेंड्रिकल में हमारा एस था, तो एस एस कैप एस की डायरेक्शन में, और उसके बाद हमारा क्या था फाई फाई कैप, ठीक है। ए सॉरी, ये यहाँ पर क्या होगा, जेड जेड कैप, क्योंकि ये हमारा स्फेरिकल एक्स वाई जेड, सॉरी सिलेंड्रिकल, तो यहाँ पर पॉइंट है, तो देखो ये तो हमारा हो गया एस एस कैप की डायरेक्शन में, उसके बाद हमने यहाँ तक ले जाके इसे ऊपर ले जा रहे हैं यहाँ पे जेड पे, क्योंकि जेड था, तो एस एस कैप फिर जेड जेड की डायरेक्शन में जेड कैप, तो ये मिला के हमारा ये हो गया, ठीक है। चलो आई होप आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे कैसे हम पोजीशन डिफाइन करते हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझ आ गया होगा। अब हम क्या काम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इनके जो डायरेक्शंस हैं इनका रिलेशन लेंगे आपस में क्या होता है, और टाइम डिपेंडेंसी चेक करेंगे, फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वगैरह के रिलेशन देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे टॉपिक लगभग खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम आएंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इजी फिजिक्स।